हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मॉम्स डिलाइट किचन में। और आप देखिए, मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ छोलिया सैंडविच, जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं। ये देखिए छोलिया सैंडविच में हमको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले ये हमने एक कटोरी छोला लिया है, वो भी बॉयल्ड उबला हुआ छोला। आप इसको सोडा डाल के भी उबाल लीजिए, तो ये ताकि ये सारे अच्छे से गल सकें। ये देखिए गल गए हैं मेरे ये। अब इसके लिए हम सबसे पहले एक बड़े कटोरे में, एक बड़े बर्तन में किसी में ये छोला पूरा छोले को डाल देते हैं। और इसके बाद इसमें हम ये टमाटर को डालते हैं, एक कटोरी टमाटर जो हमने कटा हुआ दिया है महीन महीन। और इसके बाद हम ये डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, और फिर इसमें ये एक चम्मच भुना जीरा डाल देते हैं। और हम इसमें डालेंगे एक से डेढ़ चम्मच ये हमारी अदरक है जो हमने देखिए कद्दूकस करके रखा हुआ है, वो डाल देते हैं। अगर आप चाहें आप प्याज इसमें डाल सकते हैं एक कटोरी भर के, महीन महीन बारीक कटी प्याज भी डाल सकते हैं, हम लोग नहीं डाल रहे हैं, आप डाल दीजिए आपको अगर इच्छा है तो। और ये नमक देखिए आधा चम्मच ये वाला डाल दिया है, और हमने ये नमक देखिए काला नमक आधा चम्मच काला नमक डाल देते हैं। और ये देखिए हमने इसमें से ये शिमला मिर्च थोड़ी सी महीन महीन काट के रखे हुए थे, और ये हरे मिर्चे महीन महीन दो काट के रखे हुए थे, और ये हरी धनिया देख लीजिए आप, हरी धनिया थोड़ी डाल देते हैं अंदाज से। और ये जो हमने एक दिन आपको आंवले के अपनी की पिछली वीडियो में बताए थे आंवले के लच्छे, उन आंवलों को लच्छों को भी थोड़ा डाल देंगे, इससे खट्टापन भी आ जाएगा, उसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। और ये है, और ये हमने एक चम्मच नींबू का रस निकाल के पहले से ही रखा हुआ है, ये डाल देते हैं। इन सबको मैश करते हो, अच्छे से मिक्स कर लेते हो। देखिए इसको हमने खूब अच्छे से देख के मसल दिया है, एक एक दाने सब मसल गए हैं, और देखो कितना अच्छा सा ये तैयार हो गया है। और इसको अब हम एक एक ब्रेड में ऐसे लगा, ये देखिए एक ब्रेड लिया जिसकी किनारी हमने पहले से ही निकाल दी है, ना भी निकालें तो कोई बात नहीं है, हमने निकाल दी है किनारी। ये छोलिया सैंडविचेस बहुत ही चटपटी मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे में अच्छे से इसको कोट कर देते हैं, पूरा बहुत अच्छी तरीके से लग जाए जब, तो इसके बाद इसको हम ये दूसरी, इसके बाद हम इसमें ये पनीर, आप चाहो तो इसके ऊपर पनीर थोड़ी घिस दीजिए ऐसे महीन महीन, चीज़ वीज डालना हो तो आप ऊपर से थोड़ी सी चीज़ भी घिस सकते हैं। ये देखिए अच्छा से इसमें पनीर घिस गई, अब इसमें हम इसको ऐसे लगा देते हैं, और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, ऑयल लगा दीजिए, देसी घी लगा दीजिए, कुछ भी आप ऐसे लगा दीजिए, इससे थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगी। और इसी तरह के सारी हम तैयार कर लेते हैं ब्रेड। देखिए हमने इस तरीके से देखिए पनीर डाल के इस तरह से लगा, सारी ब्रेड ऐसे लगा ली, ऊपर से घी लगाने के बाद अगर आप डालना चाहें तो इसमें चीज़ भी बीच में डाल सकते हैं, और प्याज थोड़ा सा काट के महीन महीन ऊपर से स्प्रिंग गोल गोल लगा सकते हैं। और इसको हमने देखिए पहले से ही अपना ओवन तैयार कर रखा है, गर्म करने के लिए ऑन कर दिया था, ये ऑन हो गया है। इसमें हम गैस देखिए के करके लगाते हैं, बहुत ही सावधानी से लगाते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म हो चुका है। ये देखिए ये हमको साथ में इसमें दो चार छः पीस में जगह आप सब लगा दीजिए, और ये देखिए हमारे सेकने के लिए लगा दिया, पाँच मिनट बाद इसको चेक करेंगे। ये हमारी गोल्डन ये ब्रेड जो हैं देखिए ब्राउन ब्राउन सीख गई हैं, और लगभग 5 से 7 मिनट लगा होगा, और हम इसको बंद करते हैं और इनको निकालते हैं। ये अब इसी तरीके से और भी हम सारी ब्रेडों को इस तरह लगा के फिर लगा देंगे। देखिए ये हमारी छोलिया सैंडविचेस तैयार हो गई हैं, और इनको हम ऐसे काट के सर्व कर सकते हैं, किसी को भी देना हो। देखिए बीच से कटर से काट देंगे, और जो है किसी भी ग्रीन चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, जैसे पसंद करें आप दे दीजिए।